यू नो you know, कुछ साल पहले रैंडमली स्टार मूवी सिलेक्ट में एक मूवी आ रही थी और मैं घर में बैठा हुआ था इट इन ग्लोरियस बास्टर्ड्स सो मैंने सोचा चलो देखता हूँ और मैंने उस मूवी के सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट देखे एंड आई वाज हुक्ड इनटू द स्टोरी और जब मैंने ये मूवी फिर नेटफ्लिक्स पे दोबारा देख के कंप्लीट की फ़र्स्ट टाइम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था बिकॉज टीवी में इट्स नॉट क्वाइट कन्वीनियंट तो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी बैक इन 2022 और जैसे ही मैंने ये मूवी देख के कंप्लीट की मुझे तब पता चल गया दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रीकिंग सिनेमा आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड ठीक है सिनेमा नॉट जस्ट अ मूवी मूवी में और सिनेमा में डिफरेंस होता है मूवी एक चीज़ होती है कि यार हम गए हमने देखा कि हीरो hero है हीरोइन है एक्शन है कॉमेडी है छोटी सी स्टोरी है छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है और हैप्पी एंडिंग है दिस इज कॉल्ड अ मूवी हाउ एवर सिनेमा डजेंट वर्क लाइक दैट सिनेमा इज समथिंग एल्स सिनेमा आपको फील करवाता है जो सीन में एक्चुअल में चल रहा है ठीक है अब इन ग्लोरियस बास्टर को मैं बेस्ट फ्रीकिंग मूवी एवर मेड क्यों बोल रहा हूँ ठीक है सबसे पहले तो यार एक अच्छी सिनेमा में ना हमेशा कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है कैरेक्टर्स ये कैरेक्टर्स वो हैं जिनके एक अलग ही और है एक अलग ही वाइब है एक अलग ही बोलने का तरीका है बैठने का तरीका है एक्चुअल में ये एक्चुअल एक नॉर्मल पर्सन से अलग होते हैं ये लोग ठीक है और ऐसे ही इंग्लोरियस बास्टर्ड में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अगर आप देख लोगे तो लाइफ में कभी नहीं बोलोगे सिर्फ एक रोल नहीं है इट्स अ कैरेक्टर ऑफ कर्नल हांस लांडा ये एक नाजी ऑफिसर है or bhai saab is your actor i cannot remember his name properly what an actor he like did you shall bring them underneath your floor aren't you yes point out to me the areas where they're hiding मुझे लाइफ की सबसे बेस्ट एक्टिंग, अभी जितनी भी मुझे देखी है हांस लांडा अनाजी ऑफिसर एंड दैट टू वेरी शार्प माइंडेड तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इतने अच्छे से प्रेजेंट और पोर्ट्रेट किए जाते हैं कि आप कभी भूल ही नहीं पाते हो यू नो जिस कैरेक्टर लाइक शोले में जो था असरानीज कैरेक्टर अंग्रेजों के जेलर इट वॉज अ कैरेक्टर आइकन ठीक है तो वैसे ही ये भी एक कैरेक्टर है और ये टेरिफाइंग कैरेक्टर है मतलब अगर आप देख लोगे और जब भी उसकी कॉन्वर्जेशन किसी के साथ होती है तो यू विल फील लाइक आपको थोड़ी सी घबराहट होने लगेगी दैट इज वॉट आई कॉल अ ट्रू सिनेमा सीन में जो चल रहा है उसको देख के जब आप चीज़ें फील कर रहे हो उसको बोलते हैं सिनेमा अगर टेंशन वाला सीन चल रहा है तो यू एक्चुअली फील नर्वस दैट्स वॉट वी कॉल अ सिनेमा और अच्छी सिनेमाटोग्राफी वो इस मूवी में है अच्छा बैकग्राउंड स्कोर वो भी इस मूवी में है यू you नो know, कई बार सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर के बेसिस पे डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आई नो नो रिलय करते हैं बहुत ही हैवी बैकग्राउंड स्कोर दे देते हैं दैट आई डोंट प्रेफर एक्चुअली बैकग्राउंड स्कोर शुड बी बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा यू नो अपीलिंग नहीं होना चाहिए थोड़ा सा सटल होना चाहिए ठीक है एंड इन ग्लोरियस बास्टर में बैकग्राउंड स्कोर जो है सटल है इट्स नॉट वेरी लाइक ड्रामेटिक और समथिंग वेरी यू नो हैवी और समथिंग लाइक दैट बट अच्छा है इट्स गुड पहला ही सीन मूवी का अगर आप देखोगे तो आप देखोगे दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्जेसन हो रही है और बहुत ही टेंस वाली कॉन्वर्जेसन है और आप हुख हो जाओगे मूवी में पूरी मूवी में यही है जो कॉन्वर्जेस हो रही हैं वो इतनी इंटेंस हैं इतनी ड्रामेटिक हैं कि यू विल फील एब्सोलूटली अमेजिंग मजा आएगा मूवी में बहुत मजा आएगा तो मूवी में ऐसा दो तीन बार हुआ है कि ये जो नाजी ऑफिसर हैं या फिर कुछ नाजी ऑफिसर्स हैं और कुछ अमेरिकन ऑफिसर्स हैं जूस सोल्जर्स हैं इनकी कॉन्वर्जेसन इनके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं कॉमेडी है बिल्कुल एक्शन है जितना होना चाहिए एक्शन उतना ही है बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बेसिकली दिस इज अ ड्रामा मूवी है ना तो ड्रामा के बेसिस पे आपको एंटरटेन किया जाएगा और ड्रामा के बेसिस का एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू एक्शन ठीक है एक्शन भी है थोड़ा सा जितना होना चाहिए उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं अगेन उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रही है कभी वो इंटेंस है कभी फनी है और एक प्लॉट है और तो और एक प्लॉट ट्विस्ट भी है तो मूवी ओवरऑल complete है complete. और एक चीज़ है क्विंटिन टैलेंट की हर मूवी में जो होती है वो है कि एक वो शॉट लेते हैं जिसमें फूड फूड शॉट हर मूवी में किसी टाइप की ड्रिंक या किसी टाइप का खाना है उसका एक इतना अच्छा शॉट लेते हैं कि आपको भूख और आपको खाने का मन करने लगता है सो ही नोज़ हाउ टू मेक ऑडियंस फील नर्वस ही नोज हाउ टू मेक ऑडियंस फील इंटमिटेटेड बाय द कैरेक्टर ठीक है ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरी वन इफ यू आस्क मी हाउ मेनी स्टार्स आई एम गिव दिस मूवी आई एम गोना गिव दिस मूवी ये एक्चुअली पुरानी मूवी इट्स नॉट अ न्यू मूवी इट्स अ पुरानी मूवी तो बहुत बेसिकली हम सब ने देखी नहीं है इंडिया में इंडिया में आई I मीन mean, बहुत सारे लोगों ने देखी है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी है मेजर एक चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो वो लाइक सिनेमा बट हैवन वॉच दिस मूवी सो उनके लिए ये वीडियो है इफ़ यू वॉश इंड ग्लोरियस बास्टर्स यू शुड वॉच इंड ग्लोरियस बास्टर्स द बेस्ट हाईव से और दूसरी बात ये कि करें अगर हम कितनी रेटिंग मैं इस मूवी को देना चाहूँगा तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा Four. Um, i think i'm going to give this movie a four out of five good movie you should watch it okay now if you want me to break down more of such movies make sure to like this video share this video with your friends and do comment do let me know what you think of inglorious bastards and if you want you can subscribe to my channel we are going to talk about movies fashion lifestyle Thai. Thank you so much for watching.